गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन ये कहता है कि यहाँ पर चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज लोकेट हैं 00 माइनस ए और 00 ए पर। तो देखिए 00 माइनस ए और 00 ए यानी एक्स वाई और जेड एक्सिस, यहाँ एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब एक पिक्चर बना लें, ये जेड एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें और इधर ले लें हम लोग एक्स एक्सिस। यानी कि वाई जेड और एक्स, वाई जेड और एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन में कहता है कि माइनस क्यू चार्ज कहाँ ऐसे रखा हुआ है, माइनस ए, यानी कि माइनस ए का मतलब यहाँ पर हमारा चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और उतनी ही डिस्टेंस जेड एक्सिस में पॉजिटिव, अगर इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं तो यहाँ पर रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस हमारी कितनी, ए, और ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये भी ए है, माइनस ए का मतलब नीचे की तरफ, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो अब ये मतलब देखिए, अब ये डिस्टेंस सेम है और ये भी डिस्टेंस सेम है, तो इस तरह से ये क्या बन गया, एक डाइपोल बन गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 00 जेड। देखिए 00 जेड पर हमको पोटेंशियल पता करना है, जीरो ने एक्स वाई और दोनों जीरो हैं, जेड पर एक ऐसा पॉइंट हम ले लें, यहाँ पर एक हम पॉइंट मान लें कि ये यहाँ पर ये पॉइंट जेड है, जहाँ पर हमको क्या पता करना है, पोटेंशियल पता करना है, इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल पता करना है। तो अब पोटेंशियल देखिए, पोटेंशियल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, यहाँ से ये जो पोटेंशियल देखिए, यहाँ से ये डिस्टेंस ए है और ये हमारी जेड है, यहाँ से जीरो से यह जेड है, तो ये वाली अगर हम माइनस प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल फॉर प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए ये डिस्टेंस ए है और ये पूरी जेड है, तो इतनी डिस्टेंस कितनी बचेगी हमारी, ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी बचेगी, जेड माइनस ए, जेड माइनस ए। तो हमारा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी वन वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज क्यू और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जेड माइनस ए। इसी तरह से इस वाले के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, देखिए ये हमारी ए है और ये पूरी जेड है, तो ये डिस्टेंस जेड प्लस ए हो जाएगी। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वी टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू आएगा, क्योंकि चार्ज जो है माइनस है, जेड प्लस ए। ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो देखिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा, क्यू भी कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन जेड माइनस ए और माइनस, चूँकि इसका माइनस बचेगा जेड प्लस ए। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से क्या बन जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, जेड माइनस ए और जेड प्लस ए, यहाँ क्या बचेगा, जेड माइनस ए और माइनस जेड और प्लस ए, ठीक है, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस जेड हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारा एक मिनट, जेड माइनस ए और जेड प्लस ए हुआ, तो जेड प्लस ए इधर चला जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, टू ए अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फैक्टर होता है ना, जेड माइनस ए जेड प्लस ए को हम जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 2a और q से मिलकर क्या बनेगा, डाइपोल मोमेंट, फार्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा, नेट पोटेंशियल आ जाएगा एट पॉइंट जेड। तो ये पहला हमारा इसमें आंसर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, दूसरी बात ये कहता है कि हमको निकालना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एक्स वाई। देखिए दूसरा पॉइंट यहीं पर है, एक्स वाई और जीरो, यहाँ पर पोटेंशियल पता करना है। देखिए एक्स हमारा क्या है, ये है, और वाई हमारा क्या है, ये है, और जेड हमारा क्या है, ऊपर की तरफ है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि इस तरह का जो है ये बना हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से दिखाता हूँ।
कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक एक सेकेंड, जैसे ये आपके पास एक प्लेन है, इस तरह का प्लेन है, ठीक है। इस पर क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये इस तरह का प्लेन है, देखिए इस तरह का, ठीक है। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया, जेड ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर हमको एक्स वाई देखना है, जेड नहीं, जेड से मतलब नहीं है। तो वाई ये डायरेक्शन हो गई और एक्स ये, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट हमको लेना है जो कि उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई हो। तो हम क्या करें कि यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट ले लें जो जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई और ज़ीरो हो। जेड तो यहाँ है ही नहीं है, एक्स ये है और वाई ये है। तो एक ऐसा पॉइंट इसको थोड़ा सा हम यहाँ बना लेते हैं कि जैसे मान लें ये था हमारा, एक ऐसा पॉइंट यहाँ लेना है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो, एक्स और वाई हो। और जेड तो हमारा जीरो है ही, उससे कोई मतलब नहीं। तो देखिए हम जानते हैं कि अगर ये एक्स वाई यहाँ पर एक पॉइंट है, उसकी वजह से अगर हमको पोटेंशियल चाहिए होगा तो पोटेंशियल देखिए जेड से अगर हम देखें, जैसे मान लीजिए कभी आपने ये पढ़ा है ऐसे, ये चार्ज माइनस क्यू है और ये चार्ज प्लस क्यू है, तो इसके मिड पॉइंट पर अगर कहीं हमको पोटेंशियल चाहिए होगा तो वो पोटेंशियल जीरो होगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरी में, अगर इस पॉइंट पर भी चाहिए होगा तब भी पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो जेड से, देखिए जेड प्लस से और माइनस से दोनों से बराबर डिस्टेंस रखेगा। अगर हम इस पॉइंट की यहाँ कल्पना करते हैं, जैसे मान लीजिए ये जेड एक्सेस है और ये पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो इस पॉइंट से अगर हम यहाँ देखें तब भी वही डिस्टेंस होगी और नीचे देखें तब भी वही डिस्टेंस होगी। अगर ये पॉइंट यहाँ है तो ये जेड एक्सेस है, तो जेड एक्सेस में अगर हम ये यहाँ पर पॉइंट देखें डिस्टेंस तब भी वही होगी और यहाँ देखें तब भी वही डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो जेड एक्सेस से बराबर डिस्टेंस दोनों तरफ रखेगा, पॉजिटिव जेड एक्सेस से भी और नेगेटिव जेड एक्सेस से भी। इसका मतलब पोटेंशियल यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं पॉइंट में कि पोटेंशियल एट एक्स वाई और ज़ीरो पर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। एक्स वाई ज़ीरो पॉइंट पोटेंशियल एट एक्स वाई ज़ीरो विल बी परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, क्योंकि जेड एक्सिस तो परपेंडिकुलर पड़ेगा और बराबर डिस्टेंस से पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि यही वाला जो कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर में जहाँ कहीं भी पॉइंट होगा वो बराबर डिस्टेंस रखेगा, और एक प्लस एक माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये थ्योरी में आपने पढ़ा है। तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एट एक्स वाई ज़ीरो विल बी परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस, देयरफॉर पोटेंशियल विल बी ज़ीरो। ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, अब कहता है कि हमारे सेकंड उसमें कहता है पार्ट में कि डिपेंडेंसी बताइए, ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस आर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जहाँ आर अपॉन ए मच मच ग्रेटर देन वन हो वहाँ पर डिपेंडेंसी बताइए। देखिए आपने फार्मूला पढ़ा है कि एक्सेस पर फार्मूला पढ़ा है पोटेंशियल का, वो फार्मूला होता है 1/4πε0 पी कॉस थीटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अगर आर की वैल्यू देखिए, अगर आर अपॉन ए ग्रेटर देन वन है तो यानी आर मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ r बहुत बड़ा है a से तो इस टर्म को हम निगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/4πε0 पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हमारी निगलेक्ट हो गई। तो अब पोटेंशियल डिस्टेंस के रिगार्डिंग क्या डिपेंडेंसी रखेगा, तो हम इस फार्मूले से ही देख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल को हम डिपेंडेंसी दिखाएंगे तो 1/r² दिखा सकते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें कॉन्स्टेंट हो जाएंगी, r ही चेंज होगा तो चेंज होगा। तो r चेंज होगा तो v किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा, 1/r² के। तो यहाँ पर ये बात
कंप्लीट हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। देखिए थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ स्मॉल डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 550 से -7, 0 और 0। देखिए 500 का मतलब हुआ x में 5 है और -700 का मतलब हुआ x में -7 है। तो हमने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस का मतलब x एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो 5 डिस्टेंस हो, मिड पॉइंट पर चाहे 7 डिस्टेंस हो, परपेंडिकुलर चुकी है तो वो पोटेंशियल वहाँ 0 होता है। अगर हम इसको निकालेंगे भी तब भी बात वही आएगी कि जेड एक्सेस से, अगर जेड एक्सेस से हम यहाँ पर बात करते हैं 5 की, ये 5 है इसका एक्स एक्सेस में, तो यहाँ से डिस्टेंस ए वाले पॉइंट की और यहाँ से माइनस ए पॉइंट की, टोटल पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा। जैसे ये जेड एक्सेस है, हैं, और जेड एक्सेस से अगर हम यहाँ पर पॉइंट एक लेते हैं एक्स में 5, तो वो यहाँ से और यहाँ से 0 होगा पोटेंशियल। इसी तरह -7 और 0, 0 पर भी पोटेंशियल सेम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वजह से, इसकी वजह से अगर हम V1 ले लें और इसकी वजह से V2 ले लें पोटेंशियल, तो दोनों की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पर होगा A से, यानी जेड एक्सेस से बराबर डिस्टेंस पर होगा। जैसे ये डिस्टेंस हमने आपको बताया था, ये है जेड एक्सेस। अगर ये एक्स एक्सेस, देखिए जेड एक्सेस तो हमारी ये है और ए हमारा क्या है, सॉरी ये एक्स एक्सेस क्या है, ये है। तो यहाँ से 5 मीटर अगर डिस्टेंस है हमारी इस पॉइंट की और यहाँ पर भी 5 मीटर है माइनस ए वाले पॉइंट की, तो पोटेंशियल यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। इसी तरह 7 वाले का, अब मान लीजिए 7 वाला थोड़ा सा आगे बढ़ गया एक्स में या पीछे इधर चला गया, इस तरफ चला गया, -7 है तो यहाँ चला गया, तो यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी जेड से, तो वहाँ भी पोटेंशियल 0 होगा। लिहाजा क्या होगा? पोटेंशियल दोनों की वजह से 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं फॉर बोथ पॉइंट्स पोटेंशियल विल बी 0। और ये हम एक्सप्लेन पहले ही आपको कर चुके हैं कि परपेंडिकुलर चूंकि आता है और परपेंडिकुलर में डिस्टेंस हमारी सेम हो जाती है, जिसकी वजह से 0 होता है। फिर क्वेश्चन में कहता है कि एक्स एक्सेस से डज द आंसर विल चेंज इफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सेस। तो देखिए उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर वर्क डन कितना होगा अगर किसी चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाएं? पहले तो यही कर ले कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तो चूंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, यानी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0। तो हमें मालूम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि जब हम, चूंकि फार्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, किसी टच चार्ज को अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएं और उनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, तो वर्क डन भी 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ये बात हमको समझनी थी कि वर्क डन कितना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन कहता है उसी में ही कि अगर डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस। देखिए ध्यान रखिए, ये कंजर्वेटिव यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करते हैं, कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखिए पाथ कोई भी हो, अगर यहाँ से हम चले और यहाँ जा करके यहाँ आ गए, या हम डायरेक्ट चले गए, या हम यहाँ से ऐसे करके ऐसे आ गए, इससे हमसे मतलब नहीं कि पाथ डिपेंडेंट नहीं है ये। आप कहीं से भी आइए, लेकिन हम जहाँ आना है इनिशियल और जहाँ फाइनल, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखा जाता है। तो आप पाथ कोई भी एक्वायर कर लीजिए, आपका पोटेंशियल देखा जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन जो है जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, वर्क डन विल बी इंडिपेंडेंट पाथ
इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो जब पाथ का इंडिपेंडेंट है तो ये क्या होगा, वर्क डन जीरो होगा यहाँ भी, क्योंकि हमें तो पहले ही हमने बताया कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाना है जहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो ये पाथ डिपेंडेंट तो हुआ नहीं, ये पाथ इनडिपेंडेंट हुआ, तो वर्क डन यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, क्वेश्चन बड़ा था लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई टफ हो। ठीक है बच्चों, गुड बाय।